हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी की खीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 1 टीस्पून घी। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट रोस्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इसमें ड्राई फ्रूट में काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता लिया है। अब इसको 2 मिनट अच्छे से रोस्ट करेंगे। इसको चलाते हुए 2 मिनट रोस्ट कर लेंगे। देखिए हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी पैन में थोड़ा सा और घी ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे 1 कप सूजी। सूजी को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। सूजी को बस हल्का सा रोस्ट करना है जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसको चलाते हुए 2 मिनट अच्छे से रोस्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। देखिए हमारी सूजी रोस्ट हो गई। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए मैंने सारी सूजी निकाल ली। अब इसी पैन में ऐड करेंगे 1 लीटर दूध। अब इसमें एक बॉयल आने देंगे और साथ में ऐड करेंगे 4 टीस्पून मिल्क पाउडर। इसको भी अच्छे से इसके साथ मिक्स करेंगे। अब साथ में ऐड करेंगे कुछ केसर के धागे। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपनी रोस्ट की हुई सूजी को। साथ में ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सूजी की खीर अब गाढ़ी हो रही है। 2 मिनट और इसको अच्छे से पका लेंगे। देखिए हमारी सूजी की खीर बन के रेडी है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर, साथ में केवरा वाटर, आप रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी क्विक और इजी से बनने वाली सूजी की खीर बनके रेडी है। अब इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में कमेंट करके ये बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।